फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज श्रेयांश क्या हुआ है, सुबह बस जग के आया है और मम्मा पाव भाजी बना दी आपने। बोली पाव भाजी अभी तक सुबह तो मम्मा, हाँ आपने बोला था ना कल सैटरडे है, आप सैटरडे को बनाओगे, तो बस मैं वही पाव भाजी बना रही हूँ। यहाँ बन रही है बच्चों की मन पसंदीदा पाव भाजी। आज सुबह सुबह फरमाइश आ गया है तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बेटा बनाना खा लिया और श्रेयांश और शिवांगी ने बनाना भी खा लिया है और इसके बाद मुझे भी बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये काम हो जाए सबसे पहले। और ये सारी सब्जियां हैं जो मैं भाजी में डालने वाली हूँ। भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, अब बस मैं जा रही हूँ पाव को मुझे सेकना है और उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी और फिर मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट लगा दूंगी। ये देखिए बच्चे यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं। दुकान खोल गया।
अब यहाँ मेरी सारी काम खत्म हो गई है, मैं बाथिंग वाथिंग करके आ गई हूँ और बस थोड़ा सा रेडी शेडी हो रही हूँ और बस अभी हेयर कॉम करना है मुझे और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अपना जो मुझे यहाँ हो गई मैं रेडी और अभी जाऊंगी मैं पूजा करने और पूजा करने के बाद और यहाँ आ गया मेरा नाश्ता। तो पूजा करते करते टाइम तो लग ही जाता है थोड़ा, तो बाकी सब ने तो उसी समय खा लिया था और बस मुझे कुछ काम था जैसे कि क्लीनिंग वगैरह करना, तो वो सब मैं करके और बाकी करके पूजा करके जस्ट मैं अभी आ रही हूँ और अभी मैंने सेका और बस मैं भी इसका इन्जॉय कर लूँ। एक्चुअली श्रेयांश काफ़ी दिन से बोल रहा था तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं, बच्चों के लिए ही तो होता है ये सब। और ऐसे भी लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो इनका मेरे हस्बैंड का ऑफिस से स्टार्ट हो जाएगा तो वो ऑफिस जाने लगेंगे, तो ऐसे ही मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो जाएगा बच्चों के साथ। और फिर लेकिन आई थिंक उन्हें रेगुलर नहीं जाना होगा, अल्टरनेट डे करके जाना होगा। तो मैं खा लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। अभी यहाँ पे मैंगो का लास्ट सीजन चल रहा है तो थोड़ा सा मैंगो का यहाँ पे कलर भी डिफरेंट हो गया है, तो आई थिंक ये लास्ट ही मैंगो है इस सीजन का अब, तो आज हम लोग मैंगो ही लेंगे अभी। और ये देखिए तभी मैं मैंगो कट करती हूँ और फिर हम लोग इस मैंगो लवर को कैसे मैंगो खा रही है। सुगु प्लीज बॉडी में मत लगाना बेटा। और यहाँ पे मेरी सारी काम ख़त्म हो गई है और ये मैंने कपड़े उठा के रखे हुए थे तो मैं बस वही आ गई हूँ फोल्ड करने के लिए। और बच्चे लोग उधर कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। और पति देव अपना कुछ ऑफिस का काम कर रहे थे वो, तो ऐसे भी अब उनका ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा तो उन्हें रेगुलर ऑफिस भी जाना पड़ेगा, तो मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा ही रहेगा। और फिर भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि आप लोगों के साथ जुड़ी रहूँ, मैं अपने ब्लॉग्स करते रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँ। सो फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में भी शेयर कर दिया करो क्या जाता है आपका। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा। और बस हम जो लेडीज़ हैं हम लोग का लाइफ तो ऐसे ही चलते रहना है, और घर पे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ अपना काम और फिर अपने लिए भी टाइम निकालना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वन मोर थिंग गाइस, अगर आप लोग को मैं बता दूं कि मेरी एक और नई चैनल है ग्लैमरस आर्या, तो मेरे उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी और उसमें आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिलेगा अबाउट योर स्किन और DIY वीडियोस जो कि हम लोग अपने घर पे इजीली अपने फेस और अपने स्किन के लिए कर सकते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ बच्चे कर रहे हैं ड्राइंग, तो मैंने उन लोगों को पेपर और कलर वगैरह दे दिया था कि आप लोग यहाँ पे बेटा कुछ कलर करो ड्राइंग करो, तब तक मैं अपना कुछ काम ख़त्म कर लेती हूँ और वही मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी। सो गाइस प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।